Welcome back, students. And after a long time, now I'm going to start chemistry from class 9th. And the first chapter is about matter in our surroundings. So in this chapter, we will know about different matters, whatever present in our surroundings. बात हम करेंगे matters की, जो कि हमारे आसपास चारों तरफ हमको देखने को मिल जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सिल्वर एंड सम लाइक कार्बन, सल्फर, ऑल दीज आर टर्म्ड एज मैटर. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर, इफ यू गो थ्रू इट, दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. सो वन थिंग वी कैन कंक्लूड दैट कि वॉट एवर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग्स, जो सभी चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं, यूज करते हैं, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. वो क्या है, मैटर से मिलकर के बनी हुई. एंड इफ यू गो थ्रू इट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करें, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बींग डन बाई द एंशियंट इंडियन फिलोसोफर. एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या बोला कि ये जो मैटर्स हैं, ऑल दीज मैटर्स आर मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स, पांच बेसिक एलिमेंट्स से ये मिलकर के बने हुए हैं. मैटर को उन्होंने पदार्थ नाम दिया. मैटर मीन्स पदार्थ होता है. सो उन्होंने ये बोला कि आइदर द मैटर इज लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे मैटर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, दैट इज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स एंड दैट फाइव बेसिक एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज पंच तत्व. उन फाइव बेसिक एलिमेंट्स को बोला गया कि ये पंच तत्व है. और उन पंच तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सो फर्स्ट वन इज एयर, वायु, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, तो ये जो फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं, इन्होंने क्या बताया एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स ने कि ये फाइव बेसिक एलिमेंट्स मिल करके किसी भी मैटर को, यानी पदार्थ को, पदार्थ की फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में और साइंटिस्ट की जो स्टडी और डिस्कवरीज थी, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस मैटर को बोला गया कि मैटर इज क्लासिफाइड इन टू बेसिक वेज एंड दीज बेसिक वेज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स फर्स्ट वन जो था, पहला क्लासिफिकेशन जो हुआ, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई किया गया एंड सेकेंड थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. सो वन थिंग ऑल्सो वी कैन से हियर दैट कि भाई मैटर जो है, इसको हमने यही पढ़ा, यही मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कि कुछ मास हो एंड जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह घेरे, उन्हीं चीज़ों को हम मैटर बोलेंगे. ठीक है, रदर देन दैट अगर हम बात करें कि जैसे कुछ फीलिंग्स हैं हमारी, ठीक है, लाइक फ्रेंडशिप, अफेक्शन, हैट्रेड, सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट. हम सभी जानते हैं भाई कि ठीक है, फीलिंग्स हैं, लव है, अफेक्शन है, हैट्रेड है, ये सभी क्या है, सबके माइंड में, मन में, हार्ट में प्रोड्यूस होती रहती हैं. लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, इट डू नॉट कवर एनी काइंड ऑफ स्पेस, यानी ये स्पेस कवर नहीं करती हैं, इनका कोई मास नहीं होता है, सो दीज आर नॉट काउंटेड इन मैटर्स. अंडरस्टैंड, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज मैटर्स आर क्लासिफाइड इन टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज बीन क्लासिफाइड इन टू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सो भाई, इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दीज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस.
because already in the next chapter we have to discuss a lot of things related to elements, compounds and mixture. Understand? Now if we talk about the matters की अगर हम बात करें भाई, इनका classification और भी कई तरीकों से किया गया था, ठीक है? तो जो भी different type से classification करने की बात हुई तो उसमें यही बताया गया कि matter is made up of tiny pieces or particles. After a lot of study, ये conclusion दिया गया कि नहीं, जो matter है it is made up of tiny pieces or particles. And these tiny pieces or particles are known as atoms or molecules. Means matter को ये बोला गया कि नहीं, matter जो है ये भी क्या है, छोटे छोटे particles से मिल करके बना हुआ है, ठीक है? अब जब छोटे छोटे particles से मिल करके बना हुआ है तो इन छोटे छोटे particles को name दिया गया atoms. Atom means indivisible, that can't be divided anymore, जिसको कि हम और भी divide नहीं कर सकते. Understand? Now moving to the next point. As I had told you that matters are made up of tiny particles से मिलकर के ये matter बने होते हैं. So भाई ये कह देना ही काफ़ी नहीं होता है कि नहीं, matters जो हैं these are made up of tiny particles. It requires some evidences also. इसके लिए क्या है भाई, कुछ evidences भी चाहिए होते हैं. Understand? So, जो ये evidences हैं, there are some evidences also that shows the existence of particles in matter. Means कुछ ऐसे evidences भी हैं हमारे पास जो कि हमें ये show करते हैं कि नहीं, particles जो है वही क्या करते हैं, जो tiny particles यानी smallest particles हैं वही मिल करके matter को बनाते हैं. And also the motion of that particles means जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन को भी बताते हैं. और ये जो एविडेंसेस हैं ये कहाँ से, यानी ये एग्जिस्टेंस कहाँ से हमको मिलती है, ये कहाँ से हमें समझने को मिलता है कि नहीं, जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं और उन पार्टिकल्स में कुछ मोशंस भी हैं. फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिफ्यूज़न, हम अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डिफ्यूज़न का एक्सपेरिमेंट है. डिफ्यूज़न मीन्स होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, यानी कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को खुद से मतलब मिक्स करना, ठीक है? एंड ऑल्सो वन थिंग वी विल डिस्कस अबाउट ब्राउनियन मोशन, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसी वीडियो में. So first of all, let's see about dissolving a solid in a liquid. एक solid को liquid में हम लोग dissolve करेंगे. Understand? And with the help of a diagram, I will show it also. Understand? So let's see what we have to do. A purple colored solid substance is added to water. भी एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस हम लेंगे और उसे हम किस में ऐड करेंगे, कलरलेस लिक्विड में, ठीक है? और वो कलरलेस लिक्विड क्या है, दैट इज वाटर. तो भाई अब ये भी जान लो कि जो पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं KMnO4. वो क्या है, KMnO4 है. इट इज नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं KMnO4 को. अंडरस्टैंड? इसको भाई हम लोग कोंडीज क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है? कहीं कहीं पे कोंडीज क्रिस्टल का भी जिक्र किया गया होगा. तो कोंडीज क्रिस्टल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसकी जो डिस्कवरी की थी हेनरी बॉलमैन कोंडी ने की थी, दैट्स वाई पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या बोलते हैं, कोंडीज क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए जो डायग्राम गिवेन है, जो डायग्राम आप लोगों के सामने आ रहा है, तो उस डायग्राम में आप लोग यही देख सकते हैं कि किस तरह से हम पोटेशियम परमैंगनेट को जो क्रिस्टल फॉर्म में है उसको हम वाटर के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है? एंड स्लोली स्लोली इट गेट्स स्प्लिटेड. ये जो KMnO4 का क्रिस्टल है ये क्या करेगा, धीरे धीरे स्प्लिट करता जाएगा, ठीक है? एंड आफ्टर बींग स्प्लिटेड, जैसे ही ये धीरे धीरे स्प्लिट करता जाएगा वैसे ही हमारा कलरलेस लिक्विड जो है वाटर, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू
पर्पल कलर, वो भी क्या होगा, कंप्लीटली पर्पल हो जाएगा, लेकिन स्लोली स्लोली होगा, अंडरस्टैंड? एंड यू कैन सी दैट इन द गिवन डायग्राम, जो डायग्राम आपके सामने है, आप उसमें इस चीज को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ऑल राइट, देन अभी इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. दूसरा भी जो है वो क्या है, डिफ्यूजन का ही एक एग्जाम्पल है. बट हियर वी हैव टू मिक्स टू गैसेज, मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज वी हैव टू डू. फर्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ एयर. एयर जो कि हमारे आसपास है, कलरलेस गैस. ऑलरेडी भाई जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एंड अनदर थिंग इज ब्रोमाइन वेपर. ब्रोमाइन वेपर और ब्रोमाइन गैस भी हम इसे कह सकते हैं. दैट इज ऑब्टेन्ड टू अस फ्रॉम ब्रोमाइन, जो कि हमको ब्रोमाइन से मिलता है, अ रेड ब्राउन लिक्विड. एंड इट फॉर्म्स वेपर ईजिली. ये क्या होता है, वेपर ईजिली फॉर्म कर देता है, क्योंकि भाई रूम टेम्परेचर पे हम यही बोलते हैं कि ब्रोमाइन लिक्विड जो होता है ईजिली इट गेट्स इवापोरेटेड. ये इवापोरेट होना स्टार्ट कर देता है एट रूम टेम्परेचर. गॉट इट. एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोमाइन गैस, दैट इज इट इज ऑल्सो हैवियर देन एयर. ये क्या है, एयर से थोड़ा हैवी होता है, अंडरस्टैंड? Now, what will be the observation? Just take a look at the given diagram. जो given diagram है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने दो jars लिए. दो cylindrical jars हम लेंगे. One is filled with bromine vapor and another one is filled with air. भाई air से दूसरा jar जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, that is फिल्ड विथ एयर. क्यों एयर से फिल्ड है भाई? क्योंकि उसमें हमने कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है? एंड आफ्टर सम ड्यूरेशन, कुछ समय के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप यही देखेंगे कि बोथ ऑफ द जार्स आर बींग फिल्ड विथ ब्रोमाइन वेपर. दोनों जार्स में क्या है, ब्रोमाइन वेपर फिल्ड है, ठीक है? नाउ कम टू द कॉन्क्लूजन. आफ्टर दीज टू प्रोसेसेस दैट इज बींग कम्प्लीटेड बाई अस, ये दो एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोगों ने करके देखे हैं, ये दोनों क्या है, डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? और इससे हमें कॉन्क्लूजन्स क्या मिलते हैं, लेट्स हैव अ लुक अबाउट दीज. द कॉन्क्लूजन इज द फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. यानी मैटर क्या है, ये टिनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है? तो भाई देखो, सीधा सा एक मतलब एग्जाम्पल जो कि KMnO4 था, ठीक है? KMnO4 का क्रिस्टल हमने लिया था. KMnO4 के क्रिस्टल को क्या किया था, वाटर में हमने डिप कर दिया था, छोड़ दिया था कि नहीं अब ये क्या करेगा, धीरे 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 डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है? डिजॉल्व होने के लिए हमने छोड़ दिया था और वो क्या हुआ, डिजॉल्व भी हुआ. उसने पूरे वाटर को क्या किया, पर्पल कलर में चेंज कर दिया, ठीक है? तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो क्रिस्टल है वो तभी स्प्लिट होगा जबकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है? तो एक चीज तो यहां से क्लियर होगी. अनदर थिंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो पार्टिकल्स हैं ये मैटर के, ये क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंटली, यानी ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. तो भाई कॉन्स्टेंटली मूव करने का मतलब क्या हो गया, कि अगर मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स में अगर मूवमेंट नहीं होती तो क्या ये मतलब, जैसे कि लिक्विड के बीच में जो स्पेसेस हैं, जो लिक्विड पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं उसमें क्या ये अपना पोजीशन अक्वायर कर पाते, कोई पोजीशन अटेन कर पाते, क्या ये मूव कर पाते वहां तक? सो दीज आर द टू कॉन्क्लूजन दैट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द टू एक्सपेरिमेंट्स वॉट एवर वी हैव कंप्लीटेड नाउ, अंडरस्टैंड? द फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड द सेकेंड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली
moving. I hope up to these points it will be clear to you all. Understand? Now, the third one, whatever I had told you that we will discuss about Brownian motion, we have to discuss about Brownian motion also. So before knowing about Brownian motion, first of all, let's see what is all this about. This is about movement of grains, pollen grains in water. Before starting this topic, first of all, let's know about pollen. Pollen kya hoti? A powdery substance discharged from the male part of a flower. Yani jo male part hai flower ka. Theek hai? Jo flower ka male part hai, wo kya karta hai? Wo ek powdery substance discharge karta hai. Use hum kya bolte hai? Pollen. Hum ye bhi keh sakte hai ki jo male part hota hai flower ka, wo produce karta hai pollen ko. Theek hai? And it contains some microscopic, means बहुत ही minute particles, बहुत ही minute light particles ये contain करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि these are pollen grains. ये क्या है? Pollen grains है. Understand? And Robert Brown in 1827, Robert Brown ने 1827 में क्या किया? उन्होंने इस pollen को suspend कर दिया. किस में suspend कर दिया भाई? तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया इस पॉलिन को वाटर में. ठीक है? तो भाई पॉलिन्स जो है काफी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं. सो इनका जो भी मोशन है या वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज नॉट सो मच इजी टू ऑब्जर्व विथ अवर नेकेड आइज, मींस नॉर्मल आइज से ये ऑब्जर्व होने वाला नहीं था. तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए माइक्रोस्कोप लिया और उससे मतलब उसके अंडर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं देखते हैं क्या होता है. तो उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने क्या पाया? ही फाउंड दैट द पॉलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली इन अ जिगजैग मैनर. उन्होंने यही पाया कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रैपिडली मूव कर रही हैं एंड द मैनर ऑफ मूविंग इज जिगजैग, मीन्स रैंडम मूवमेंट. अंडरस्टैंड? इसके साथ उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे वाटर वार्म होता जाता है वैसे वैसे ही ये जो मोशन है, जो पॉलिन्स का मूवमेंट है, दैट ऑल्सो गेट्स स्पीड अप, वो भी स्पीड अप होता जाता है. अंडरस्टैंड? एंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू कैन सी दैट. आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलिन्स का मूवमेंट शो किया गया है. इसी तरह से जिगजैग मैनर में उन्होंने माइक्रोस्कोपिक व्यू जब लिया था इसका, कि पॉलेंस को अगर हम वाटर में सस्पेंड कर देते हैं तो किस तरह से मूव करती हैं, तो वो इसी जिगजैग मैनर में मूव करती हैं. यू कैन सी दैट इन द गिवन डायग्राम. जो डायग्राम आपके सामने है आप उसमें देख सकते हैं. गॉट इट? एंड दिस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ये बताया कि नहीं, इट इज ब्राउनियन मोशन. ठीक है? ब्राउनियन मोशन इसलिए बता दिया गया भाई क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने अपने नाम पे ये बता दिया और भाई जिगजैग मैनर, जिगजैग मोशन जो है कर रही हैं, रैपिडली मूव कर रही हैं, कुछ मूवमेंट शो कर रही हैं, दैट इज इन अ रैंडम वे. तो इसको इन्होंने अपने नाम के बेस पे कर दिया कि नहीं, इट इज टर्म्ड एज ब्राउनियन मोशन. अंडरस्टैंड? एंड दिस ब्राउनियन मोशन इज ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेज, ये गैसेज में भी ऑब्जर्व किया जाता है. गॉट इट? सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन कंक्लूड अबाउट द टू पॉइंट्स. यहां से भी हम दो पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं एंड दैट टू पॉइंट्स आर सिमिलर, जो हमने अभी यहां पे पढ़ा इन दोनों पॉइंट्स को. जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हैं. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये क्या कर रहे हैं? दीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. गॉट इट? तो ये कॉन्क्लूजन हमको क्या हुआ कि जो एविडेंसेस हमको देखने को मिले, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अभी, उस
उन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमको यही ऑब्जर्व करने को मिला कि नहीं भाई, जो मैटर्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. भाई पार्टिकल्स हैं तो इनकी भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. यानी ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं. ऑलरेडी इन द स्टार्ट आई हैड टोल्ड यू दैट द मैटर्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज एटम्स. एंड एटम्स के बारे में एक चीज पहले ही मैंने बता दी थी, वो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एटम्स आर इनडिविजिबल, इट कांट बी डिवाइडेड एनी मोर. अंडरस्टैंड? द सेकेंड थिंग इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मीन्स ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम. थर्ड थिंग इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. एंड द लास्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ As we had discussed about the evidences for the particles in matter, जैसे हम लोगों ने बात की कि नहीं, कुछ evidences की ज़रूरत पड़ती है. So there are also some evidences that shows us whatever the characteristics of particles of matter we had studied. जो भी characteristics particles के हमने पढ़े वो क्या है, that is also true, and with the help of evidences we are going to understand about that. So first one, about first characteristic, the particles of matter are very very small. For this we have to perform a small experiment. एक छोटी सी एक्टिविटी कह लीजिए, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, उसे हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है. एंड फॉर दिस यू कैन सी इन द डायग्राम. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें पहले क्या करना है, वी हैव टू मेक अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड मीन्स आप बोल सकते हैं कि एक डार्क सॉल्यूशन चाहिए. किसका? पोटेशियम परमैग्नेट का. अंडरस्टैंड? पोटेशियम परमैग्नेट का एक डार्क सॉल्यूशन हम ले लेंगे. कंसंट्रेटेड बात करते हैं, ठीक है? तो भाई जब डार्क लेंगे तो इट शोज अ डार्क पर्पल कलर, डीप पर्पल कलर का हो जाएगा ये, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको डिफरेंट स्टेप्स में डाइल्यूट किया गया है. And after being diluted over a lot of steps, कई सारे steps में dilute होने के बाद भी जब हम last step में कहीं रुकेंगे और check करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि नहीं, कुछ न कुछ part जो potassium permanganate solution का कुछ न कुछ part जो है, even कितना भी dilute आप कर लीजिए, कुछ न कुछ part आपको final step में देखने को मिल जाएगा. अंडरस्टैंड? सो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि नहीं, जो पार्टिकल्स होते हैं भाई मैटर के, ये क्या है, काफ़ी छोटे होते हैं. अंडरस्टैंड? सेकेंड थिंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अब जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में भी जान लीजिए. एंड फॉर दिस वी हैव टू एड सम शुगर इन वाटर. कुछ शुगर हमें वाटर में ऐड करना पड़ेगा. मीन्स भाई सब लोग करते हैं और सीधा सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. शुगर और वाटर का सॉल्यूशन यानी घोल बनाना है. सो जस्ट हैव अ लुक इन द गिवन डायग्राम. गिवन डायग्राम में देखिए आपको दिख रहा होगा कि नहीं, 100 ml ऑफ वाटर हमने ले लिया. एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर ले लिया. एंड इन दैट वी हैव टू डिसॉल्व 50 grams ऑफ शुगर. 50 ग्राम शुगर हमें उसमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है.
भी हम शुगर को छोड़ अगर देते हैं उसमें तो भी क्या होगा, अगर हम शुगर वाटर में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद, मे बी इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा, लेकिन वो शुगर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी हमको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, एक एक्टिविटी करके देखनी है, सो वी हैव टू स्टायर अप। हम उसे क्या करेंगे, स्टायर अप कर देंगे, जिससे कि इजिली, मतलब इजिली वो क्या हो, शुगर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड आफ्टर बीइंग डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, जब शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में, उसके बाद भी हम देखेंगे तो जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। मींस 100 ml वाटर है वो 100 ml ही रहेगा। तो भाई शुगर गई कहाँ? तो उसके लिए ये बात हम करते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दीज हैविंग सम स्पेसेस अमंग देम, यानी इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, और उन्हीं स्पेसेस में जो वो शुगर के पार्टिकल्स हैं, दैट गेट्स एडजस्टेड, वो क्या हो गए, वो उसी स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो गए। अंडरस्टैंड? सो फ्रॉम दिस वन वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं दीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। भाई देखो, इसके लिए सीधा सा है, घर में रोज सबके होता होगा एक एक्टिविटी, सभी लोग परफॉर्म करते होंगे, घर में पूजा पाठ होती होगी तो अगरबत्ती का यूज करते हैं, ठीक है, इंसेंस स्टिक बोला जाता है अगरबत्ती को। तो भाई उसको अगर हम जला देते हैं, सपोज घर के एक किसी कॉर्नर में आप जला दीजिए, तो ये देखने में आता है कि पूरा का पूरा घर जो होता है वो उसकी खुशबू से महक उठता है। तो ये जो एक्टिविटी है सिंपल से, ये हमको ये बताती है कि नहीं, पार्टिकल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, दीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करते तो ये जो चीजें हैं, यानी ये जो गैसियस फॉर्म में जो वेपर्स अराइज होते हैं, मीन्स जो खुशबू है, जो स्मेल है इंसेंस स्टिक की, वो क्या होती, वो पूरे रूम में स्प्रेड नहीं होती। अंडरस्टैंड? एंड ऑल्सो वी कैन सी अबाउट कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ले लें, जैसे कि KMnO4 का क्रिस्टल हम लोगों ने लिया था ना, उसी तरह कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल भी अगर हम लोग ले लें, तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है, अगर उसको लेने के बाद हम क्या करें, छोड़ देते हैं वाटर में, तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो बीकर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो क्या होगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट बेटा, इसको हिंदी में नीला थोथा भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये जो बातें थी, अभी तक की जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए, ये हमको ये बताती हैं कि नहीं, वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैड डिस्कस्ड, दैट आर एब्सोल्यूटली परफेक्ट। अंडरस्टैंड? एंड द नेक्स्ट थिंग इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर चॉक का एक पीस ले लीजिए, आइस क्यूब ले लीजिए, आयरन नेल ले लीजिए, ठीक है, हम इनको अगर क्या करते हैं कि हैमर से अगर इसे हम बीट करेंगे, ठीक है, तो हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं हमारे पास जो कि इजिली ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, एंड सम आर नॉट इजिली ब्रेकिंग। कुछ हैं जो कि मतलब जैसे ब्रेक नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटल हो जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज कोहेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। अब भाई देखो,
पार्टिकल्स के बीच में जो है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन एक टर्म पे ये कहा जाता है कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स, इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन गैसियस। सॉलिड्स में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि गैसेस में जो होता है ये कम होता है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास एंड वी विल फर्दर डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन अवर कमिंग क्लास। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल।